हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है टेरिडोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से होता है उसको समझाइए, उसका सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन या फिर फर्न के जीवन चक्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए, जो विभिन्न प्रकार के फर्न है, ये फर्न का जीवन चक्र या टेरिडोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार होता है उसके बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, चाहे टेरिस हो, ड्रायोकेरिस हो या टेरिडियम हो, ये सभी प्रकार, ये सभी फर्न कहलाते हैं। और फर्न का जो मुख्य पौधा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट द्विगुणित पौधा होता है, डिप्लॉइड होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अर्धगुणित हैप्लॉइड गुणसूत्रों से जस्ट डबल होती है, दोगुनी होती है। इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। और इसका जो पौधा है, जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है और इसकी पत्तियों को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें भूमिगत राइजोम्स भी इसमें पाया जाता है। ये राइजोम है जिसको प्रकंद कहते हैं और इसी प्रकंद से ये एडवेंटिशियस रूट लगी रहती हैं। ऐसी रूट्स जिनमें विभाजन है, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स नहीं पाई जाती, ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो इसमें जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, एडवेंटिशियस होंगी और इसी से राइजोम से क्वाइड लीव्स निकली रहती हैं, यानी कि कुंडलित पत्तियां भी निकलती रहती हैं। इस प्रकार का ये पौधा होता है। इसकी लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम वेंट्रल साइड से देखेंगे। हमने जब टेरिडोफाइटा के लक्षण बताए तो उसमें पौधा दिखाया था और वेंट्रल साइड से जब दिखाया तो वेंट्रल साइड पर आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो वेंट्रल साइड पर यहाँ क्या लगे हुए थे, बहुत सारे स्पोरेंजिया लगी हुई थी। यहाँ ये क्या है, ये सोराई थे, इनको सोराई कहते हैं। तो ये वेंट्रल साइड से देखेंगे तो इसमें ये सोराई लगे रहते हैं या सोरस जिनको कहते हैं, सोराई होते हैं। और सोराई की अगर हम इस लीफ की टीएस देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देगी। इसमें ये मेसोफिल होगा और इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखेंगे। ये पर्ण मध्यो तक हम बना रहे हैं पत्ती के, और जब इस तरह से कट रही है तो इसके जो सोराई हैं वो यहां पर आप सोराई को देखेंगे तो सोराई के अंदर बहुत सारे बैडमिंटन के रैकेट की तरह स्पोरेंजिया इसमें लगी रहती है। इसके अंदर क्या लगी रहती है, स्पोरेंजिया होती हैं, बीजाणु धानियां जिनको हम कहते हैं। ये टीएस है, टीएस ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण की, स्पोरोफिल जो लीफ है इसको स्पोरोफिल कहते हैं, बीजाणु पर्ण। तो इसकी जब अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो इसमें बहुत सारी बीजाणु धानियां लगी रहती हैं, स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। और इन स्पोरेंजिया की हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिएगा, एक तरफ से ये यहां पर यहां ओपन रहती है, थोड़ा सा पार्ट इसका ओपन रहता है। इस पार्ट को हम जो ओपन, जहां से ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है, इसको स्टोमियम कहते हैं। और एक जैकेट होगी इसके अंदर, और जैकेट के साथ साथ आप देखेंगे इसमें एक स्टाक होती है, व्रंथ पाया जाता है। और इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर ये पूरी स्पोरेंजिया हो गई बीजाणु धानी। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल भरे रहते हैं, स्पोर्स या स्पोर मदर सेल भरे रहते हैं। इसमें स्पोर मदर सेल होंगे, स्पोर मदर सेल एंड स्पोर्स इसमें पाए जाएंगे और स्पोर्स होते हैं। इसके अंदर स्टोमियम से जब ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे निकलकर, इसमें से स्पोर मदर सेल, इसमें कैसे विभाजन होगा समझ लें, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है और इसमें मियोसिस द्वारा स्पोर बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे चार स्पोर बनते हैं। और प्रत्येक, अब ये स्पोर बन गए, अब ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये स्पोर जर्मिनेट होकर के इनमें जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेट होने के बाद
ये जर्म ट्यूब निकालते हैं, एक ये जर्म ट्यूब है, ये जर्म ट्यूब निकल जाती है इसमें, और जर्म ट्यूब जो है जर्म ट्यूब से जमने के बाद स्पोर इसके फर्म के यानी कि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस या टेरिडियम के हार्ट शेप हृदयाकार, जैसा हृदय होता है हृदयाकार प्रोथेलस का निर्माण करेंगे, हृदयाकार प्रोथेलस बनाएंगे। इस प्रोथेलस को हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये गैमेटोफाइट स्टेज आ जाती है और गैमेटोफाइट जो है हैप्लोइड होता है, एन होता है, इसको प्रोथेलस या गैमेटोफाइट कहेंगे और इससे रूट्स निकली रहती है। इसमें ऊपर की ओर इस प्रोथेलस में ऊपर की ओर जिसमें गर्दन नीचे होती है, ऊपर की ओर ऊपर के हिस्से में क्या पाई जाती है, आर्किगोनिया पाई जाती है जिसमें नेक होगी और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर नीचे की ओर, ऊपर की ओर फ्लास्क स्ट्रक्चर नीचे की तरफ नेक होती है। तो इस प्रकार होंगी जैसे उल्टे फ्लास्क रखे हुए हैं, इस प्रकार ये देखेंगे तो इस थैलस में ये पाई जाएंगी आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या होती है, फीमेल स्ट्रक्चर होती है और इसके निचले भाग में, इसके निचले भाग में एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। ये एंथ्रीडिया होती हैं और एंथ्रीडिया क्या है, कुंधानियां होती हैं जिनसे नर संरचनाएं, जिन्हें नर संरचनाएं कहते हैं और इसके अंदर एंथ्रोजोइट्स बनते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो ये जो प्रोथेलस है इसको हम कंप्लीट एक प्रकार की सेल्स से भर देते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोथेलस होता है, हार्ट से बनता है गैमेटोफाइट और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता। इसका बस ये काम होता है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बना के मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण करके बस जायगोट बनाना है। जायगोट जैसी बनेगा फिर उससे, जायगोट बनने के बाद इससे क्या होगा, फिर से फर्म के स्पोरोफाइट का निर्माण ये कर देता है। अब इस पर आप देखेंगे, इस स्ट्रक्चर पर देखेंगे तो मेल स्ट्रक्चर ये होती है, ये राउंड स्ट्रक्चर होती है एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया की सेल्स से, एंथ्रीडिया से मल्टीफ्लेजिलेटेड एंथ्रीजोइट्स बनते हैं। ये एंथ्रीडिया है, हम अलग से शो कर रहे हैं इसको, यहां से जो एंथ्रीडिया है मेन स्ट्रक्चर कुंधानी, और इससे मल्टीफ्लेजिलेटेड क्या बनेंगे, मल्टीफ्लेजिलेटेड एंथ्रीजोइट्स बनते हैं। एंथ्रीजोइट्स कैसे होंगे, ये मल्टीफ्लेजिलेटेड होंगे, मेल गैमेट होते हैं, और इसकी जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया जो कुंधानी है जिसमें नेक, ये गर्दन नीचे की ओर होगी और इधर वेंट्रल सेल होगी, वेंट्रल कैनाल सेल, वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल होगी, और इसके मध्य में एग पाया जाएगा, अंडा होता है। तो यहां एंथ्रीजोइट्स, ये आर्किगोनिया हो गई, देखेंगे आर्किगोनिया स्त्रीधानी, और ये जल की सहायता से फर्टिलाइजेशन के लिए जल की जरूरत होती है। एंथ्रीजोइट जो मेल गैमेट है वो नेक और वेंट्रल कैनाल सेल को तोड़कर, नेक की सेल्स को गलाकर क्या करता है, यहां एग के पास, ओवम के पास पहुंचकर ये एंथ्रीजोइट्स जायगोट का निर्माण कर लेता है। ये जायगोट बनाता है, क्या बनाता है, जायगोट, ये जायगोट बनाएगा, जायगोट भी डिप्लॉयड होता है। तो यहां फिर से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आ जाती है। अब ये जायगोट में क्या होगा, अनेक विभाजन होंगे और विभाजित होकर क्या बनाएगा, विभाजित होने के बाद ये एम्ब्रायो बनाता है। प्रोकैरियोट्स या ड्रायोप्टेरिस या टेरिडियम, इन फर्म्स के, किसी भी फर्म के स्पोरोफाइट का निर्माण ये प्रो एम्ब्रायो कर देता है, फिर से जायगोट से ये बन जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो फर्न जितने भी टेरिस, डायोप्टेरिस या टेरिडियम, इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फर्न के लाइफ साइकिल को एक बार और बता देते हैं, टेरिस, डायोप्टेरिस या टेरिडियम, इन तीनों में, तीनों को फर्न कहते हैं, और फर्न का लाइफ साइकिल तीनों का एक जैसा होगा। इनका जो मुख्य पौधा है वो क्या होगा, स्पोरोफाइट होता है, और जो ज
जड़ तना और पत्तियों में विघटित होता है और इसकी पत्तियों को हम स्पोरोफिल्स या बीजाणुपर्ण कहते हैं। इसकी पत्तियों को हम बीजाणुपर्ण कहते हैं क्योंकि इसमें बीजाणु बनते हैं। तो इसकी पत्तियों को हम उल्टा करके देखेंगे तो सोराई दिखेंगे, सोराई बीजाणुधानी कोष कहलाते हैं। और इसकी जब हम इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन इसकी काट कर देखते हैं टीएस यानी अनुप्रस्थ काट, तो इसकी पत्ती में ये स्पोरेंजिया लटकी रहती हैं और ये स्पोरेंजिया बीजाणुधानियां कहलाती हैं। और बीजाणुधानियां क्या होता है, बीजाणुधानियों के अंदर स्पोर मदर सेल और स्पोर बनते हैं। बीजाणुधानियों में जो स्पोर मदर सेल है वो यूनोसिस द्वारा स्पोर्स बनाती है और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फर्न के गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथेलस का निर्माण करते हैं जो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड थैलस पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें मेल स्ट्रक्चर को एंथ्रिडिया और फीमेल स्ट्रक्चर को आर्किगोनिया कहते हैं। आर्किगोनिया ऊपर की साइड में होती है और निचले हिस्से में आधारीय भाग में इसके क्या होते हैं एंथ्रिडिया यानी नर संरचनाएं होती हैं। तो एंथ्रिडिया की सेल्स डेवलप होकर क्या बनाती है एंथ्रिजॉइट्स बनाती हैं और आर्किगोनिया की सेल्स में आर्किगोनिया के फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में क्या बनता है एग का निर्माण होता है। एंथ्रिडिया पानी की सहायता से नेक यानी ग्रीवा सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स को तोड़ते हुए एग से जुड़कर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं जायगोट बनाते हैं। और ये जायगोट क्या होता है फिर मल्टी सेलुलर होकर विभाजित होकर क्रो एम्ब्रायो एम्ब्रायो का निर्माण करता है और इस एम्ब्रायो से फिर से फर्न के स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार फर्न का जीवन चक्र कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।